हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस जैसे ही महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने अपनी बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकंड ईयर की डेट शीट का आगाज किया है, बच्चों में बहुत ज्यादा उथल फुथल देखी जा रही है और बच्चे काफी कंफ्यूज हैं और काफी डरे हुए हैं और काफी कमेंट्स हमारे इस YouTube चैनल पर आते हैं और हमारे फोन कॉल्स पर भी आते हैं और मैसेज भी आते हैं WhatsApp पे कि सर ये जो 3 घंटे का एग्जाम होगा और खासतौर से जो हम लोगों के काफी लेंथी एग्जाम है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड, इन पेपर को 3 घंटे के अंदर कैसे अटेम्प्ट किया जाए कि मैक्सिमम टाइम के अंदर, यानी कि मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम जो नंबर है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें, इसकी स्ट्रेटजी पर आप थोड़ा सा वीडियो बनाइए ताकि बच्चों को कुछ फायदा हो सके। तो गाइस जैसे आप हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हो, ऑर्डर देते हो, उसके लिए हम लोग बिल्कुल बाइंड है और डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प के लिए इस प्रकार के जो इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल जो वीडियो है वो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि आप लोगों के मैक्सिमम जो नंबर है बीएड में आ सके। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, आप लोगों के लिए बहुत कम टाइम बचा है और आज हम लोगों ने एक नई चीज का मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा कि जो बच्चे अभी देखिए हम लोग जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो पेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, या फिर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है या फिर कुरुक्षेत्र या हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी है, उन सब के लिए जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में क्या है प्रिपेयर कर दिए हैं एक अच्छे कंप्यूटराइज फॉर्मेट में। ठीक है, बिल्कुल एक पीडीएफ फाइल हम लोगों ने तैयार कर दी है, हिंदी में जो बच्चा है वो हिंदी में ले सकता है और इंग्लिश में जो बच्चा है वो इंग्लिश में ले सकता है। तो आप लोगों के पास अब 10 दिन के अभी कम से कम टाइम बचा है और आप लोगों को ये वाले जो क्वेश्चन है गाइस, यकीन मान के चलिए मैं आपको चैलेंज के साथ ये बात बोल रहा हूं, इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने ये वाले जो हमारे एक पेड जो सीरीज है बहुत ही नॉर्मल सा चार्ज अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पूरी बुक पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और मैक्सिमम जो नंबर्स है आप लोगों के एग्जाम के अंदर आ जाएंगे। तो प्लीज अगर आप इसको बाय करना चाहते हो, जो हमारा स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर आप नॉर्मल मैसेज ना करें, व्हाट्सएप पे हाई का टेक्स्ट लिखिए कि मुझे एक पैकेज लेना है, हमारी टीम आपको ऑन द स्पॉट आपको इसका जवाब देगी और पेमेंट जो डिटेल्स है वो आपको बताएगी। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई 3 घंटे के टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। देखिए गाइस आप लोगों को पता है कि पहला जो क्वेश्चन है बीएड में वो आपका कंपल्सरी है, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो कंपल्सरी है, बाकी उसके बाद जो आपकी 4 यूनिट है उनमें से 2-2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उन दोनों में से कोई भी आप अपनी मर्जी का एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब यहां पर सवाल ये आता है कि सबसे पहले क्या हम लोगों को अपना जो एक कंपल्सरी एग्जाम में कंपल्सरी जो एक क्वेश्चन है वो करना चाहिए, जो हम लोगों को आता है वो करना चाहिए। देखिए गाइस काफी बच्चों में इस प्रकार की विडंबना देखी गई है और उनको इस प्रकार की नॉलेज नहीं थी, वो सबसे पहले ही पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और वहीं पर क्या है बच्चों का टाइम कंज्यूम हो जाता है। देखिए मैं मानता हूं कि 70-50-60% बच्चों को पहला क्वेश्चन आता होगा क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है अमूमन थोड़ा सा एक ट्रिकी वे में जो है यूनिवर्सिटी में दिया जाता है ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो, एग्जामिनर थोड़ा सा आपको डराने की कोशिश करता है, पर कई बार हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट, उसके पॉइंट्स आपके दिमाग में ना, तो वहां पर सोचने में आप अपना टाइम को वेस्ट ना करें, टाइम को जाया ना करें। आप ये देखिए कि 4 यूनिट में से सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आता है पहले आप उसको स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसके पॉइंट्स आपको ताजा ताजा याद है, वो क्वेश्चन आप घर से पढ़ के आए हैं, पूरे माइंड वो मेमोराइज है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखिए क्योंकि अगर आप पहले कंपल्सरी क्वेश्चन पे अपना टाइम लगाएंगे तो 10 मिनट तो आप सोचने में लगा देंगे, 10 मिनट आपको याद नहीं आएगा, 10 मिनट आप पॉइंट बनाने लगा दोगे तो वहां पर कम से कम आपका हाफ एन आवर यानी कि 30 जो मिनट्स है वो आपके वेस्ट हो जाते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से सबसे पहले आपको क्वेश्चन कौन सा करना है जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में पॉजिटिव चीजों को उठाते हो तो आपका जो ब्रेन है वो बिल्कुल एक अच्छी सिस्टमेटिक ढंग से चलने लगता है और ये साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को बोलते हैं कि भाई अगर आपका एग्जाम करने का एक बार राइटिंग का रिदम अगर बन जाता है तो उसके बाद आप अपने दिमाग से भी क्या है मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं पैराग्राफ के थ्रू उनको क्या है आप क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पहला क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं कि वो आपको पहला करना है। उसके बाद ये देखिए कि अगर पहले वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा सा मेमोराइज आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है,
तो फिर भी उसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जो अगर कोई भी क्वेश्चन उससे ज्यादा आपको पॉइंट्स याद है, अगर वो क्वेश्चन आपको ज्यादा आता है तो फिर दूसरे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। तो ऐसे ऐसे जब आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे ना गाइज, तो आपका जो टाइम है बिल्कुल मैनेज होता जाएगा। अब लास्ट में बच्चे ये बोलते हैं कि सर पहला क्वेश्चन तो मुझे उसके पॉइंट्स भी याद नहीं है, वो मुझे आता भी नहीं, मैं क्या करूं? तो गाइज उस क्वेश्चन को बिल्कुल आप छोड़ दें। पहले जो चार यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको करना है उसको अच्छी तरह से कीजिए, और लास्ट में जब आपके पास 20 मिनट 15 मिनट 40 मिनट जो भी आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको एक अपनी लैंग्वेज में लिखिए। और कई बार क्या होता है, जब एग्जाम आपका खत्म होने वाला होता है तो आसपास में बच्चे भी थोड़े फ्री हो जाते हैं, जो आपका इन्विजिलेटर होता है वो भी थोड़ा चाय की चुस्की वगैरह ले लेता है, तो वो आपको क्या डांटता नहीं है, ठीक है? तो वहां पर आप थोड़ा पॉइंट्स की मदद से अपने फ्रेंड से या कोई टीचर है या जो आपके साथ जो एग्जाम देने के लिए आता है तो आप उनसे थोड़ा सा पूछ सकते हैं और पॉइंट्स को अच्छी तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि वो क्वेश्चन भी आपका पूरा हो जाएगा, हो सके कि उसमें 16 नंबर में से आपके थोड़े नंबर कम आए, मान के चलो आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और यूनिवर्सिटी ने एग्जामिनर ने आपको उसमें 7-8 क्वेश्चन दिए, पर जो 4 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आते थे, बहुत अच्छे तरह से उसका डायग्राम बनाया, बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको रिप्रेजेंट किया, तो वहां पर नंबर कटने के चांसेस कम है। अगर इस स्ट्रेटजी से आप अगर चलते हैं तो गाइज यकीन मानिए 80 नंबर में से 60-65 और मेहनत करोगे तो 70 मार्क्स भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये मैं श्योरिटी से आपसे बोल रहा हूं। तो गाइज ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और टाइम अपनी घड़ी वॉच जरूर लेके जाना क्योंकि हमें पता नहीं लग पाता कि टाइम कैसे कंज्यूम हो रहा है, टाइम कैसे निकल रहा है, आप आसपास से किसी से पूछ भी सकते हैं। जो बच्चा अपने टाइम को कंज्यूम करके या एक टाइम मैनेजमेंट बना के चलता है उस बच्चे के जो मार्क्स है 75, 80 या 85 से भी ऊपर आते हैं। बाकी जो बच्चे बहुत कम पढ़ रहे हैं, जो जॉब करते हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छी स्कीम लागू की है। मैंने आपको बताया था कि 30% डिस्काउंट भी बच्चों को हम लोग दे रहे हैं, तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि पूरी बुक ना पढ़नी पड़े, बच्चा छोटा है, जॉब कर रहे हैं पर बीएड करना भी जरूरी है, वो वाले क्वेश्चन घर बैठ के 10 या 15 दिन जो भी आपका टाइम है उसका आप रिवाइज कर लो। गाइज आपके कम से कम 70% मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता है, इस बात की गारंटी अमित सर आपसे लेते हैं। तो उम्मीद करूंगा गाइज ये वाला जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना, थैंक यू सो मच।